चुका है, तो वो कह रहे कि आप जहाँ पे वहीं पे रह जाओ, क्योंकि आपको बाद में हम हेल्प करेंगे जो भी कुछ भी, वो ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हमें। एक तरफ जहां वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है और यूक्रेन और रूस के बीच लगातार युद्ध जारी है, वहीं कई ऐसे भारत के छात्र छात्रा हैं जो अभी भी वहां पहुंचे हुए हैं। इसी क्रम में बिहार के सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज प्रखंड के जगतपुर महुआरी निवासी नागेंद्र द्विवेदी की पुत्री और मेडिकल की छात्रा मिल्की कुमारी अपने दो दोस्तों के साथ यूक्रेन के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी खारकीव के हॉस्टल में फंसी हुई है। तीनों छात्राओं ने वीडियो बनाकर भारत सरकार और बिहार सरकार से मदद की गुहार लगाई है तथा अपनी परेशानियों को बयां किया है। लगातार वो लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं और भारत सरकार से भी संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द वो भारत अपने देश अपने वतन अपने माटी पर वापस लौटाए। इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। वही मिल्की कुमारी ने अपना हॉस्टल नंबर 4 खारकीव नेशनल मेडिकल कॉलेज का पता भी जारी किया है जिससे संपर्क किया जा सके। नमस्ते, मैं निधि, मैं यहाँ पे प्रथम साल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं कुमारी खुशबू, यहाँ पे थर्ड ईयर में मैं पढ़ती हूँ। हेलो, मैं मिल्की हूँ, यहाँ पे हम दोनों थर्ड ईयर में हैं KNMU में, खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। हम लोग तीनों ही यहाँ बिहार से हैं, में फंसे हुए हैं जो, और यहाँ पे हम लोग खारकीव में फंसे हुए हैं। यहाँ से निकलने का कोई प्लान नहीं है अभी तक। इंडियन गवर्नमेंट इवैक्यूएट करा रही है, लेकिन यहाँ से नहीं, वो पोलैंड, हंगरी और रोमानिया से हो रहा है, जो कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ से 1000 से 1200 किलोमीटर जाने में ऐसे नॉर्मली यहाँ से 13 घंटा लगता है, बट अभी वॉर की सिचुएशन में ये 22-24 घंटा भी हो सकता है, जिसमें कि हमारे जान को ज़्यादा खतरा है। इसमें कोई प्लान नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पर हम एम्बेसी से कुछ चाहते थे और हमें दे जा रही है एम्बेसी का हेल्पलाइन नंबर, जो कि हम लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो वो बस यही कह रहे हैं कि जैसे जो खारकीव का बच्चा है, जो कीव का है, तो वो कह रहे हैं कि आप जहाँ पे वहीं पे रह जाओ, क्योंकि आपको बाद में हम हेल्प करेंगे जो भी कुछ भी, वो ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हमें, बोल रहे जहाँ पे वहीं पे रहो। तो हम 3-4 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन वो हमारी कोई हेल्प कर ही नहीं रहे। 3-4 दिन और क्रिटिकल होते जा रहा है, और हम लोग अपने आँख के सामने यहाँ पे पूरा लाइट ऑफ रहता है, क्योंकि हमें मेन ऊपर से ऑर्डर आता है कि लाइट ऑफ कर देने का, और यहाँ से हमें कुछ नहीं, मतलब सिर्फ बॉम्बार्डिंग कहीं आवाज आते रहते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं। यहाँ पे हमारे पेरेंट्स भी बहुत ही परेशान है इंडिया में, तो आप लोग प्लीज जल्दी से जल्दी कुछ स्टेप लीजिए और हमारी हेल्प करिए। और यहाँ पे रोज दिन आए दिन बम फटने की आवाज आती रहती है, हम लोग यहाँ पे काफी डरे हुए हैं। हमें ना तो फूड मिल रही, ना तो पानी मिल रही, कुछ भी ढंग से नहीं मिल रही, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हम लोग हैं। आपको यूक्रेन के खारकीव सिटी में, जो कि हमें ये लोग बोल रहे हैं कि रुको, हम लोग 3-4 दिन से वेट करें।